अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गेटिंग फोटो क्लिक इन स्टूडियो। आज गट्टू चिंकी कुछ नया करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी दोनों भी आईने के सामने चिपक कर खड़े थे। गट्टू ने चिंकी को धक्का मारा। ओहो गट्टू, मुझे लग गया। रुक जाओ थोड़ा, मुझे भी तो तैयार होना है। क्या चिंकी, तुम कब से आईने के सामने खड़ी हो? मुझे थोड़ा भी देखने नहीं दे रही। मेरे बाल तो ठीक है ना? गट्टू और चिंकी की नोक झोंक वाली आवाज सुनकर मम्मी कमरे में आई। गट्टू चिंकी, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी, मैं फ्रॉक पहनूं या पंजाबी ड्रेस? ओढ़नी वाला ड्रेस फोटो में ज्यादा अच्छा दिखेगा ना? मम्मी, मैं नीली जीन्स पहनूं या काली जीन्स? बताओ ना मम्मी। तभी पापा तैयार होकर कमरे में आए। गट्टू चिंकी, मम्मी तैयार हुई या नहीं? चलो हमें फोटो स्टूडियो चलना है। हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो और एक साथ अच्छे फोटो खिंचवाएंगे। यस पापा, हम तैयार हैं। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी मम्मी पापा के साथ फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और उछलते कूदते ही वो फोटो स्टूडियो पहुंचे। हेलो सर, बताइए आपको किस तरह के फोटो खिंचवाने हैं? गट्टू और चिंकी फोटो स्टूडियो में लगे अलग अलग तरह के फोटो देखकर हैरान हो गए। कई तरह के छोटे बड़े फ्रेम लगे थे जिसमें अलग अलग तरह के पोज लेकर मॉडल खड़े थे। गट्टू देखो ना, कितने सुंदर पोस्टर लगे हैं। मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी है। मैं भी स्टाइलिश फोटो क्लिक करवाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी दिखाऊंगा। गट्टू चिंकी शांत रहो बेटा। जी हमें सभी के पासपोर्ट साइज फोटो और फिर एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। ओके ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अंदर बुलाता हूँ। गट्टू चिंकी मम्मी पापा वेटिंग रूम में वेट करने बैठ गए। गट्टू खड़ा हो गया और एकदम स्टाइलिश अंदाज में चिंकी से कहने लगा। चिंकी बताओ, ये पोज कैसा लग रहा है? मैं ऐसा ही फोटो लूंगा। चिंकी ने भी अपने आप को फिर से एक बार स्टूडियो में लगे आईने में देखा। गट्टू ऐसा फोटो नहीं खींचा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो में केवल तुम्हारा चेहरा दिखेगा और इस तरह की पोज किसी काम का नहीं। चलो बैठ जाओ यहाँ आकर। गट्टू ने अपना मुंह बना लिया और वो पापा के बगल में जाकर बैठ गया। गट्टू और चिंकी अपना फोटो खिंचवाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि दोनों बैठे बैठे भी अलग अलग तरह के पोजेस बनाने लगे। चिंकी उठ खड़ी हुई और उसने स्टूडियो रूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। ओहो, कितना समय लग रहा है, पसीने से मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा और मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा। चिंकी बेटा सब्र करो, वो हमें बुलाएंगे, यहाँ आकर बैठ जाओ। फोटोग्राफर बाहर आया और उसने पापा को स्टूडियो रूम के अंदर बुलाया। अच्छा तो सबसे पहले हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो खींच लेंगे, उसके बाद एक फैमिली फोटो होगा, तो सबसे पहले कौन खिंचवाएगा? गट्टू चिंकी हड़बड़ करने लगे। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चिंकी मुझे जाना है सबसे पहले। मम्मी कहो ना गट्टू से मुझे जाने दो। चिंकी पहले गट्टू जाएगा, उसके बाद तुम चली जाना। यस। आखिरकार गट्टू को मौका मिल ही गया। गट्टू हरे पर्दे के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर उसने पर्दे को देखते हुए कहा, अरे नहीं, क्या हम ये पर्दा बदल सकते हैं? मुझे लाल रंग का पर्दा चाहिए। नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हरा पर्दा ही ठीक होता है। गट्टू उन्हें उनका काम करने दो। ठीक है, तो सीधे खड़े हो जाओ। गट्टू ने फोटोग्राफर की बात तो सुनी, लेकिन वो पूरे स्टाइल के साथ अपना हाथ अपने पॉकेट में डालकर स्टाइल में खड़ा हो गया, जो देखकर पापा ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। गट्टू बेटा सीधे खड़े रहो, पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, एकदम सीधे खड़े रहो, बस सामने देखो और अपने पलके नहीं झपकाना। फोटोग्राफर ने गट्टू का एक फोटो खींचा, लेकिन गट्टू ने अपनी पलके झपकाई और फोटो ठीक से नहीं आया। मुझे फिर से खींचना होगा, बस अपने पलके नहीं झपकाना। इस बार भी गट्टू ने अपनी पलके झपकाई। फोटोग्राफर के कई कोशिशों के बाद आखिरकार गट्टू का पासपोर्ट साइज फोटो निकला। फोटोग्राफर ने लंबी सांस छोड़ी। गट्टू के बाद चिंकी कैमरे के सामने खड़ी हो गई। चिंकी एकदम सीधे सीधे खड़ी हो गई, जो देखकर फोटोग्राफर ने चिंकी से कहा, थोड़ी सी स्माइल करो बेटा। और क्या, चिंकी ने हल्की सी स्माइल दी और चिंकी का सबसे प्यारा फोटो खींच लिया गया। चिंकी के बाद मम्मी पापा का पासपोर्ट साइज फोटो निकाला गया। आप सभी के पासपोर्ट साइज फोटो देख लीजिए, उसके बाद प्रिंट लूंगा,
पापा के साथ साथ फोटोग्राफर ने गट्टू चिंकी और मम्मी को भी अपने अपने फोटोग्राफ दिखाए। मुझे मेरा फोटो ठीक नहीं लगा, और एक बार फोटो लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया है, अब हम एक फैमिली फोटो लेंगे। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी मम्मी और पापा कैमरे के सामने खड़े हो गए। फोटोग्राफर अंकल, अब तो पर्दा बदल लो ना प्लीज। गट्टू के कहने पर फोटोग्राफर ने हरे पर्दे से लाल पर्दा नीचे किया और सबको पोजीशन में खड़े रहने के लिए कह दिया। बीच में मम्मी पापा और दाएं बाएं गट्टू और चिंकी खड़े हो गए। से चीज। फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक किया और एक स्माइल के साथ परफेक्ट फैमिली फोटो खिंचा गया। मम्मी पापा प्लीज, मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है पूरे स्टाइल में, प्लीज एक फोटो खिंचवाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है गट्टू, अच्छी पोज में फोटो निकालो और चिंकी तुम भी फोटो खिंचवाओ। ये गट्टू और चिंकी ने वेटिंग रूम में लगे पोस्टर ध्यान से देखे और गट्टू ने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिया और कैमरा के सामने खड़ा हो गया। गट्टू ने अपने हाथ पॉकेट में डाले, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कैमरे को दी। फोटोग्राफर ने गट्टू की फोटो खींची। वाह गट्टू, क्या सही पोज दिया है, मैं भी इसी तरह से खिंचवाती हूँ। अरे नहीं चिंकी, तुम अलग पोज दो। चिंकी नाक फुफकारते हुए कैमरे के सामने खड़ी हो गई। फूला हुआ मुंह लेकर फोटोग्राफर तो फोटो निकालने ही नहीं वाला था। चिंकी बेटा, तुम्हें फोटो नहीं निकालना है क्या? स्माइल करो, पोज दो। लेकिन फिर भी चिंकी बिल्कुल नहीं हंसी और पोज भी नहीं दिया। और अब गट्टू कैमरे के पीछे से चिंकी को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपने हाथों से चिंकी को चिढ़ाने लगा। इस तरह से जोकर की तरह हरकत देखकर चिंकी की हंसी छूटी और फोटोग्राफर ने उसी तरह से चिंकी का फोटो खींच लिया और चिंकी की बड़ी ही प्यारी फोटो फोटोग्राफर को मिली। वेरी नाइस फोटो। देखा अंकल, आपको चीज कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी।